माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ गए थे भाई आप? भाई को इनवाइट कर दिया है और इधर दोबारा मैं आया था। मैंने कहा अहमद भाई भी आए हुए थे, लेकिन कहाँ गए अभी फिर नहीं है। जब भी जी मैं आता हूँ इधर मुझे ना वो मिलता नहीं है, गायब होता है, बदमाशी पे तुला हुआ, बदमाश बन गया। वो कहते हैं नादिया रो क्यों रही हो? माशाल्लाह जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाने वगैरह जो है अभी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। अफजल भाई भी पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने खाना वगैरह जो है वो खा लिया है। कैसा लगा खाना? जबरदस्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जान रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फुलकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग, क्योंकि काम जो है ना सुबह का मैंने कर लिया है, सफाइयाँ वगैरह कमरों की सारी ओके कर लिया। मशीन भी हमने लगाई हुई थी, जैसा कि आज संडे है, बच्चे जो है ना वो घर में थे, तो फिर मशीन जो है ना मुस्फिरन लगाई थी। कपड़े वगैरह जो है ना कुछ धुल चुके हैं, कुछ जो है ना मशीन में डाले हुए हैं, तो वो भी धुलाई हो रहा है। तो उसके बाद किचन की पहले सफाई करके गई थी, तो बर्तन वगैरह रखे थे धुलाई करने वाले, तो अभी शुरू करती हूँ बर्तनों की धुलाई। और फिर दूसरी मरतबा जो है ना दोबारा से जो है किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि काफी कचरा वगैरह ये जो है ना चीजें काफी सारी हुई पड़ी है, खराब हुआ पड़ा है किचन। तो ये आटा भी रखा है, आटे को जो है ना उठाना है, कुछ जो है ना वो आटे वाले ड्रम में डाल देंगे और कुछ जो है ना इसको पतीले में डाल दूंगी, क्योंकि पतीले में डाल दूंगी तो फिर वही वहां से उठा उठा के रोटियां बनाती रहूंगी, इस्तेमाल जो है ना वही करती रहूंगी। जैसे वो खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है ना फिर ड्रम को शुरू कर दूंगी। और सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर आकर बर्तनों की धुलाई कर लूँ, क्योंकि बर्तन जो है ना ये ऐसे सारे के सारे किचन में खिलरे पड़े हैं, तो ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे धुल के, फिर जो है ना बाकी की सफाई जो है ना वो बाद में करती रहूंगी। तो इसलिए सबसे पहले अब आ चुकी हूँ, ये बर्तन धोती हूँ और बाकी का भी लोग भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी, जो जो काम करने वाले हैं जैसे ही करूंगी तो वो आपके। माशाल्लाह जी यहाँ पर जो है ना अभी आटा मैं इस पतीले में डाल रही हूँ। मैंने कहा कि ये कुछ पतीले में डाल दूँ और कुछ ड्रमी में डाल दूँ। बर्तन वगैरह जो है ना वो मैंने धो के रख दिया है, और फिर मैंने कहा कि ये आटा जो है ना इसको जो है मतलब कुछ पतीले में डाल दूँ, कुछ ड्रम में डाल के ना फिर ये बोरा जो है ना ये खाली कर दूँ, क्योंकि ऐसे पड़ा है ना नीचे आटा गिरे तो फिर जो है ना सही नहीं है ना। तो इसलिए पतीला यहाँ पर नीचे मैंने रख दिया है, और उसके बाद अभी ये वाला काम जो है ना ये मुकम्मल करती हूँ, फिर जो है ना बाद में दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी किचन की और दोबारा से सफाई करूँगी। और ये आटा जो है ना इसको बर्तनों में डाल के एक जगह पे रख दूँ, फिर बाद में देखेंगे। गिल्लू के काम चेक करें, यहाँ पर रखी हुई हैं रोटियाँ, और फिर वो रोटियों को देख के ना यहाँ पर आ जाता है। तो अभी ये जो है ना काम कर लूँ, और इब्राहिम को देखे यहाँ पर, इब्राहिम भी आ चुके हैं, इब्राहिम रोटी खा रहे हैं। इब्राहिम आप खाना खा रहे हो, दोपहर का खाना आप ही खा रहे हो? वो देखें रो, आपने रोटी नीचे गिरा दी है, आराम से बैठ के खाओ, ऐसे नहीं खाया जाता। तो इब्राहिम यहाँ खाना खा रहे हैं, तो ये आटा जो है ना मैं डाल दूँ, फिर बाकी जो है ना काम काज आपके साथ शेयर करते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपके दुआओं से। व्लॉग जी मेरा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं मज़ेदार साफ व्लॉग, और आज जो है हम बनाने वाले हैं जी बहुत बड़ी दावत, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो जो है वो सब बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना बहुत ही मज़ेदार और ख़ास होने वाली है। पहले मैं शहर गया था, शहर से कुछ सामान जो है वो लेकर आ चुका हूँ। मोबाइल मैं घर दे गया था नादिया को, मैंने कहा व्लॉग बनाना, उन्होंने सिर्फ दुआ सलाम करके रख दिया मोबाइल। फिर इसलिए जो है ना अभी फिर दोबारा आया हूँ, मैंने कहा चलो व्लॉग जो है वो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं और तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर भी करेंगे।
और ये हमारे परिंदे जो है ना इधर घूम फिर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं। ये देखें ये क्या मल रही हो। हाँ मेकअप हो रहा है। हाँ। कलर तो वैसे का वैसा ही है काला, शार काला। ये तो छाया है ना यार, थोड़ा और पाउडर लगाओ ज्यादा, फिर भी सही नहीं लगता, हल्का हल्का सा लगा रही है। अच्छा कहाँ की तैयारी कर रही हो वैसे? कहीं की नहीं, वैसे घर में तैयार हो रही हूँ, आपके लिए तैयार हो रही हूँ। आपके लिए तैयार हो रही है और फुद्दू लगा रही है मुझे जी, मुझे जी और फुद्दू लगा रही है। और क्या, और किसके लिए तैयार होती हूँ? आपके लिए तैयार होती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे वैसे और जो है ना वो भी तारीफ कर रहे, भी अच्छी लग रही है लेकिन मैं तारीफ करने वाला नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है ना, वैसे खूबसूरत लग रही है। मेकअप देखे सारा इन्होंने आगे रखा हुआ है। और अभी मैं चलता हूँ जी सबा मर्द वालों के घर, क्योंकि मेहमान वगैरह उधर हैं, उनको इनवाइट करना है और इनवाइट करके फिर आ जाते हैं, क्योंकि शाम को वैसे तो मैंने उनको बता दिया था लेकिन अभी वीडियो भी बना लेते हैं और उनको बता भी देते हैं कि खाने के लिए आपने पहुँच जाना है। सही हो गया, मैं उधर जा रहा हूँ फिर। हैं ओके ओके, मैं जब तक जो ना शुरू करती हूँ। मैं भी पैसे दे, अमरूद लाए। अमरूद वाला आया तो फिर क्या हुआ? अमरूद वाला तो रोज आता है, ये कौन सा आ जाओ आया हुआ है? ये अमरूद खा खा तक खांसी हो गई है। खांसी हो गई है, अमरूद नहीं खाने की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी बाहर आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि सब एम वालों के घर चलते हैं, उधर चल के देखते हैं क्या हो रहा है और आपके साथ भी शेयर करेंगे। पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, तबीयत सेहत कैसी है? ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त मौजा। और इधर बैठी है जी सबा भाभी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, तबीयत सेहत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, जबरदस्त है, जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। किधर गए अहमद भाई? वो थोड़ा सामान लेना था शहर से, वहाँ चले गए। अच्छा शहर गए हैं, वो भाई भी नाल गए? अच्छा मैंने तो उनको खाने के लिए बुलाने इनवाइट करने आया था। किनको? ओ अहमद भाई और वो जो है मेहमान वगैरह भी हैं। अच्छा वो तो शहर चले गए, अभी आने वाले होंगे। मैंने कहा, वैसे तो मैंने कहा था अच्छा। मेहमानों को कहा था, अहमद भाई को, अहमद भाई भी वैसे साथ थे लेकिन अभी मैंने कहा कि वो ना इनवाइट कर देते हैं वीडियो में जाके ना, सही, ताकि बहन भाई भी देख लेंगे, फिर वो कहते हैं कि आप बुलाते नहीं हो किसी को अच्छा तो इसलिए मैंने कहा कि चलते हैं घर, घर में होगा शायद। पहले तो मैं भी अभी शहर से आया हूँ, उस टाइम जा रहा था। हाँ, उस टाइम जा रहा। मैंने कहा शहर जाना था उस टाइम। हाँ। तो चलो ठीक हो गया, फिर आ जाएंगे तो उनको बता देना, आपको कह रहा हूँ कि आ जाना खाने के टाइम। ओके भाई थैंक यू। तो वो सिस्टर कहाँ गई? वो उस कमरे में, दूसरे कमरे में। हाँ। फिर मैं कहता हूँ सब आ जाते तो फिर अच्छा था। ऐसे कर लो ना, थोड़ा वेट कर लो, वो सब आ जाए फिर आ जाना आप बाद में इनवाइट करने आ जाऊंगा। हाँ। तो बाद में करेंगे जी इनवाइट, क्योंकि अभी सबा भाभी बैठी है सिर्फ, बाकी आपको पता है फिर वो भाई भी नहीं है और अहमद भाई भी नहीं है, तो फिर इस वजह से जो है ना वो सब आ जाएंगे ना, फिर थोड़ी वीडियो में बातचीत भी अच्छी हो जाती है और प्रोग्राम भी बन जाता है। हाँ। तो बस वो आते ही होंगे तकरीबन घंटा तो हो गया इनको गया हुआ है। घंटा हो गया है तो आधा घंटा और लगा लो, आ जाएंगे। हाँ, डेढ़ घंटे में। डेढ़ घंटे में? हाँ इंशाल्लाह। मैंने कहा गए हैं नहीं नहीं वो अभी तक नहीं आए। अच्छा चलो फिर वो आ जाते हैं, फिर ना चक्कर लगाता हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ जी क्या हो रहा है? ये जो है ना रस्ते के लिए सामान वगैरह इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा हाँ जी। टाइम हो गया रेसिपी का? टाइम हो गया, टाइम टाइम मैंने कहा बना लो, फिर जैसे आपको पता है ना अंधेरा हो जाता है, फिर सही है वो, मतलब वो कैस नहीं होती जो दिन को होती वो मजा नहीं आता। हाँ मजा नहीं आता, तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम टाइम बना लो। और ये सामान वगैरह जो मिसाले वगैरह मैंने सारे के सारे काट लिए हैं, ओके करके रख दिए। ये चावल रखे हैं, आज हम बना रहे हैं बिरयानी।
आज हम बनाएंगे जी बिरयानी, और ये तकरीबन 2.5 किलो मैंने चावल लिए हैं, और उसके अलावा चिकन भी लिया है। ये सारा जो कुछ जो है ना ओके करेंगे, और मेहमानों को इनवाइट करने गया हुआ था जैसे आपने वीडियो में देखा है, तो वो घर में नहीं थे। जैसे वो आते हैं फिर इंशाल्लाह उनको इनवाइट करती हैं, क्योंकि पहले तो उनको कहा हुआ है ना दावत के लिए, लेकिन ये है कि उनको फिर बुला के आएंगे, फिर टाइम पे आ जाएं। तो अभी सारे मिसाले वगैरह कुछ इन्होंने कटाई कर दिए, यानी कि हम ऐसे बना रहे हैं व्लॉग कि जो चीज़ मेरे व्लॉग में होगी वो नादिया के व्लॉग में नहीं मिलेगी, जो नादिया के व्लॉग में होगी वो मेरे व्लॉग में नहीं मिलेगी। इसलिए ना थोड़ा चेंजमेंट करके बना रहे हैं, ताकि एक जैसी सेम वीडियो जो है वो हमारी ना बन जाए। तो ये इसी में चिकन डाला था जी, पहले शापर में फिर थैले में, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा थैले में क्या डाली हुई है ना? ये वो जैनब के पापा से लिया है ना। ये ला जी, इतना बड़ा चम्मच भी साथ है। वो बड़ा पतीला है तो चम्मच भी बड़ा होना चाहिए ना। हाँ जी, ये पतीला, ये देखें जी, ये पतीला जो है वो भी हमने मंगवा लिया है ये मुखलिस भाई के घर से, समीना भाभी से। तो क्योंकि हमारा पतीला भी था उसमें भी पक सकते थे, लेकिन शर्त ये है कि जैसे आपने देखा कल वाली मेरी वीडियो, हम गंदम पिसवा के आए हैं, तो ये जो है ना अपना उसमें आटा डाल दिया, कुछ ड्रमी में आ गया आटा, और जो बच गया वो हमने इस पतीले में डाल दिया है। पतीला भी आटे का भर के रखा हुआ है, ये देखें। तो इस वजह से ये छोटा है ना, अभी मैंने कहा चिकन को जो है ना साफ साफ धुलाई कर लूं चिकन की, सही है, फिर उसके बाद जो है ना रेसिपी बना। हाँ, अच्छी तरह से चिकन जो है वो धुलाई कर लेते हैं जी, और चिकन साफ सुथरा धुलाई करके इसको रख देंगे, और बाकी सामान वगैरह जैसे ओके है, फिर हो सकता है ये रेसिपी वगैरह जो है ना ये आपको मिलेगी फूड पे, क्योंकि ये रेसिपी का जो काम होता है ये फूड पे होता है, फूड पे आपको मिलेगी। तो अभी मैं कैमरा जो है वो बंद कर देता हूँ, फिर बाकी मुकम्मल रेसिपी आपको फूड पे मिलेगी, बाकी आगे पीछे जो काम काज हैं वो अकरम खान व्लॉग्स पे आपको मिलते रहेंगे। तो नादिया विलेज फूड आपने आज ज़रूर देखना है, क्योंकि उसके ऊपर ये सारी रेसिपी का जो निज़ाम है ये उसके ऊपर ही आना है। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा काम आपका रेसिपी का? माशाल्लाह आधा हो चुका है, अभी आधा रहता है। अच्छा, हाँ जी, बहुत तेज हो गई हो आज कल? अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले से तेज थी? पहले भी सही काम कर दी थी, लेकिन अभी मजीद जो है वो क्या कहते हैं, नहीं पहले इससे ज्यादा काम करती थी तेज स्पीड में, लेकिन अब जो है ना थोड़ी स्लो हो गई। ये अभी स्लो है? हाँ जी। ये एक दिन में पूरा घर का सहन लिपाई कर दिया, अभी ये स्लो है? पहले दो दो सहन जो है प्लस लिपाई करती थी। हाँ, एक दिन में? पहले तो कच्चे घर होते थे, लिपाई कर कमरों की लिपाई, ये मतलब दीवारों की लिपाई, वो सारा कुछ करती थी ना, अभी तो सिर्फ सहन ही होता है। अच्छा, वो देखें वो दरख्त के ऊपर चिड़ियाँ जो है ना झगड़ा कर रही हैं आपस में, वो देखें सामने, ये उनका घर बना हुआ है यहीं पर। लड़ाई क्यों कर रही हैं फिर? बस वो झगड़ा कर रही होंगी, औरतें को, औरतें जब इकट्ठी होती है ना किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो ये भी झगड़ा कर रही है। अच्छा अच्छा, कोई ज्यादा खुराक खा ली होगी, किसी ने कम खा ली होगी, तो इसलिए झगड़ा हो जा होगा। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आज बादल जो है ना वो कैसे बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मुझे नजर आ रहे थे बादल, और मैंने कहा ये जो है ना तमाम बहन भाइयों को भी दिखा दूँ। और हवा जो है अभी फिर दोबारा से बंद हो गई है, पहले हवा चली थी लेकिन अभी जो है ना बंद हो चुकी है। और इस साइड पे ना ये सूरज है, बिल्कुल अपने गरूब होने की तैयारी में है, जा रहा है, तो बिल्कुल ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कमरे के ऊपर ना। और बादल वगैरह जो है ना उन्होंने तो अपनी रौनक बनाई हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने व्लॉग वगैरह देखा है और मैंने आपको बताया है कि मेहमान वगैरह जो हैं वो दावत की हुई है मेहमानों को, और मेहमान ने हमारी दावत जो है वो कबूल की है जी, और अभी चलते हैं
उनको इनवाइट वगैरह करते हैं और उनको बुला के आते हैं। वो चाहे आधा घंटा घंटा ठहर के आए लेकिन उनको इनवाइट कर देते हैं और जो भी बात होगी आपके साथ भी शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जा रहा था आगे, अफजल भाई और भाभी आ गए थे, उनसे दुआ सलाम की है और अभी जो है ना वो जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कैमरा चलाया हुआ था। तो मेरी फिर आदत है कि कैमरा चल रहा हो तो फिर एक टॉपिक नहीं बनाता मैं, तो उनसे बातचीत की है और अभी हम इधर चलते हैं, इधर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़रबाज़ से बचाए, जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ गए थे भाई आप, नज़र नहीं आए? बस ये गए थे सेलिब्रेशन के लिए, कुछ सामान थोड़ा सा लेके आना था। अच्छा जी, तो वो लेने गए हुए थे अमन भाई के साथ, शहर घूमने गए थे। आपका शहर घूमने? हमारे में कहते बाजार तो इधर कहते शहर। हाँ, तो कैसा लगा फिर शहर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा शहर है। सही हो गया, अकेले अकेले गाड़ी में सामान इतना पड़ा हुआ था, वो भी जो सामान था, फिर आप भी बैठी गाड़ी तो गई नहीं, गाड़ी को कुछ होता, गाड़ी वालों को नहीं बिकती, इनको बिकती गाड़ी को कुछ नहीं, टायर जरूर बैठ गया थे। नहीं कुछ नहीं, टायर बैठे हुए हैं, सामान इतना पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होता। चलो फिर मैं आया था वो खाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। कल वैसे आपको बोला था ऑफ कैमरे में दावत के लिए, तो आज जो है ना मैंने कहा अभी जो है ना इनवाइट कर देते हैं, फिर आपका दिल 10 मिनट में आए, 15 मिनट में आए, 20 मिनट में आए, आधे घंटे में आए। जी ठीक है इंशाल्लाह, बस जो ना रेडी शेडी हो गया सबा और अहमद भाई भी तैयार हो। बस जैसे शुक्रिया मेहरबानी, इतना इज्जत आपने हमें दी है, बहुत इज्जत दी है। नहीं हम देते हैं लेकिन कुछ मेहमान होते हैं जो हमें धोखा देकर भाग जाते हैं। नहीं इंशाल्लाह आप हमें याद रखेंगे कि वाकई कोई बंदे आए थे हमारे पास और नस्ली आए थे। मैं अकेला की भी हूँ, मैंने कहा भाई इधर मेरी टोरे निकली हैं, घर में हालात बिगड़े होते हैं, इधर आई हूँ ना कोई काम ना कुछ भी नहीं, आराम से बैठे रहो, जो दावते खाते रहो बस। इतनी सब ने हमें प्यार और इज्जत दिया है, हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें। और मजे की बात आपको पता है, सुबह हमारी भांजी ने फोन किया, कहती हमें पता ही नहीं चलता कि आप गैरों में गए हैं। वीडियो देख नहीं, वैसे बात असल में ये है क्योंकि गैर तो हम किसी को समझते भी नहीं है ना, यही बात है। ये नहीं है कि कोई चैनल वाले हैं या कोई हमें देखने वाले हैं, जो हम क्योंकि जब व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम सब के लिए जो है ना हमारी यही पैगाम होता है कि जो हमारे देखने वाले हैं चाहे नहीं देखने वाले हैं, सब हमारी फैमिली की तरह हैं। जब ये बात आ जाती है अपनी फैमिली की तरह, अपने भाई हैं, सिस्टर हैं, बहनें हैं, खाला हैं, माएँ हैं, जो भी देखते हैं, तो सब के लिए हमारी यही दुआ होती है, फिर हम गैर किसी को नहीं समझते। बहुत अच्छी बात है। असल ना हमारी फैमिली में ना व्लॉग वगैरह कोई भी नहीं पहले देखता, जब से हमने बनाना शुरू किया है ना, हम इधर आए हैं तो उनको ये तो पता नहीं किधर जा रहे हैं, आगे लोग कैसे हैं, ये है वो है, सो बातें उन्होंने मसलन सोची दिल में। अब उन्होंने व्लॉग देखे हैं ना, बहुत सबको देखा है ना, अब सब खुश हैं कि वाकई बहुत अच्छी फैमिली है। आमीन आमीन, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। अगर हमारे से कोई होती है बात तो दिल पे नहीं लेना, नहीं हो भी नहीं हो भी जाती है, कोई बात नहीं हुई, हम तो इतने खुश हैं, हमारा दिल ही नहीं कर रहा जाने को। तो ना जाओ, कौन आपको भगा रहा है? घर की रमजान आ गया, पता है रमजान पढ़ने वाले हैं, फिर आगे बच्चों को पता है शुरू होने वाली है, क्लासेस शुरू होने वाली है। वैसे भी इनका अब ये रमजान आया है, काम खत्म हो गया, इन्होंने काम वगैरह का कुछ करना हुआ तो ठीक, ना हुआ तो घर पे ही रेस्ट करेंगे। रमजान में वैसे इतना ज्यादा काम होता नहीं है क्योंकि बिल्कुल नहीं होता, रोजे वाला इंसान तो कर भी नहीं सकता ना। चलो ठीक हो गया, आगे चलते हैं। वो कहाँ गए सबा भाभी और अहमद भाई? हमारे चैनल को आप सबने सपोर्ट करनी है, माशाल्लाह से सबने की है, अल्हम्दुलिल्लाह से सबका बहुत बहुत। अपने चैनल का नेम जो है ना वो बता दे। हमारे चैनल का नाम नबीला राशिद व्लॉग, नबीला राशिद व्लॉग्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा जी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, जो हमें आपने मोहब्बत दी है देखने वालों ने, इसी तरह ने आपने इनको भी मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। और उसके अलावा जो है बहुत ही प्यारे और अच्छे अच्छे इनके जो है व्लॉग आते हैं, तो आपने ज़रूर सपोर्ट करनी है। पहले भी आपने सपोर्ट किया है जो कि इनकी वीडियो में, आज अगर आ गई वीडियो ठीक है, नहीं तो सुबह इनकी वीडियो जो आएगी या आ जाएगी, लेकिन
और उनके लिए इन्होंने पूरी जो है अपनी तैयारी की हुई है, तो आपको पता चल जाएगा ये आपकी मेहनत का सिला है जो आज इनकी वीडियो पे आएगा और तमाम बहन भाइयों की सपोर्ट है। तो आपने ज़रूर जो है इनके चैनल का विजिट करना है, सपोर्ट करनी है और भरपूर जो है इनको सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने देखा मेहमान सिस्टर को भाई को इनवाइट कर दिया है और इधर दोबारा मैं आया था, मैंने कहा अहमद भाई भी आए हुए थे लेकिन कहाँ गए, अभी फिर नहीं है वो मैच पे। जब भी जी मैं आता हूँ इधर मुझे ना वो मिलता नहीं है, गायब होता है, बदमाशी पे तुला हुआ, बदमाश बन गया। वो कहता है कि इसको मिलना नहीं है किसी सूरत में भी। नहीं भाई, वो ना आए थे ना, फिर वो आपको इनवाइट किया, फिर उधर से वापस आए, फिर वो मैच खेलने चले गए। चलो हमारी तरफ से कोई लेट नहीं है। अच्छा, आपकी तरफ से टाइम के हिसाब से आप देखें, अभी थोड़ा लेट खाना खाएं या जिस टाइम खाएं, तो उस हिसाब से हमने हमारी रेसिपी जो है ओके हो चुकी है सारा कुछ। अच्छा। सिर्फ हमने बाकी आगे वाला जो सिस्टम है वो करना है। ओके। तो वो सिस्टर को भाई को मैंने कह दिया है, वो कहते हैं रेडी होके थोड़े तैयार होके हम पहुंच जाते हैं बस, क्योंकि ये होता है ना कि दिन होगा ना थोड़ा, फिर उसमें ये है कि हमारे जो है ना व्लॉगिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, साफ सुथरा कैमरे का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो अंधेरा हो जाएगा तो फिर आपको, आप खुद व्लॉगर हैं, हम आपसे अच्छा व्लॉगर कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि उनको ना पैगाम देते हैं, लेकिन अब इधर है वो हमारे छोटे जो भाई है ना लाडले, लाडले जो है ना वो नजर नहीं आते। उनको कॉल करें या बुलवाएं उनको, घर पे पड़ा है किसी को भेज के जो है ना वो बुलवाना। हाँ, उनको बुलवाओ, उनको कहो कि इधर आओ पहले मैच, मैं मैच खेलने नहीं गया इस वजह से आज, मैंने कहा कि मेहमान आ रहे हैं मैं मैच पे हूँ, फिर कहेंगे वाह ये कैसे बंदे हैं, खुद मैच पे गए हुए हैं, तो इस वजह से मैं आज नहीं गया, मैंने छुट्टी की है। चलो मैं उनको बुलवाती हूँ, फिर थोड़ी देर तक आते हैं। ओके हो गया। ओके भाई, थैंक यू। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने देखा इनवाइट जो है वो कर दिया है मेहमानों को भी, और सबा भाभी बैठी थी, अहमद भाई तो बाल पर गए हुए थे, तो सबा भाभी को मैंने कहा कि उनको बुलाएं और वो जल्दी जल्दी पहुँच जाएं। और इधर जो है ना ये खाना हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, नादिया विलेज फूड पर आपको मुकम्मल मिल जाएगा। उसके अलावा अभी आगे वाला जो हमारा काम है वो क्या है, वो ये काम है कि हमने सलाद वगैरह बनानी है, रायता बनाना है जी, प्याज काटने हैं, उसके अलावा खीरे हैं, खीरे वगैरह काटने हैं, जो भी सलाद वगैरह बनानी है वो बनाती हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे तो आप जानते होंगे, आपका सोना शहजादा अकरम खान। तो इधर ना, आप क्यों हंस रही हो? वैसे हंस रही हूँ, शहजादे का नाम लिया इस वजह से। अच्छा अच्छा, फिर सही है, दुआ कर देना अल्लाह पाक नजरबाज से बचाए मुझे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। ओ नादिया रो क्यों रही हो? प्याज रुला रहा है। वैसे रो रही है ना, वो देखें आंखों में आंसू, कानों में आंसू, प्याज रुला रहे हैं। आपको कितनी बार मैंने कहा है कि प्याज पानी में काटा करो, ये बात मैंने आपको कही है कि नहीं कही? अगर ये प्याज पानी में काटती तो कुछ भी ना होता, अभी भी काटने हैं तो पानी में डाल के काटो, बाल्टी में पानी डालो, ये प्याज उसमें डाल दो, उधर से उठा के काटती रहो, अगर रोना आ जाए तो मुझे बताना। कड़वे हैं काफी ज्यादा। वही बात है ना, वो बड़े वाली बाल्टी को अच्छी तरह धो लो, उसको ना पानी डाल दो, उसमें पानी भर के फिर काटो पानी में, देखता हूँ कैसे धुआं आता है, आपको कैसे रुलाते हैं। कितना खूबसूरत चेहरा था, सारा आंसू ने खराब कर दिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इधर हो रही है खीरे की कटाई, नादिया प्याज काट रही है और मुस्फेरा जो है वो काट रही है खीरा। कैसे? हाँ जी, अभी पानी में काट रही हो, कोई फर्क पड़ा है? हाँ, अभी धूं नहीं आया, पहले आया था, जो आ गया, जो आना था वो आ गया, जो आना था वो आ गया, पहले बता देते तो ये पहले क्या। काफी बार आपको मैंने कहा है कि पानी में प्याज काटा करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ये मेरा जाती तजर्बा है। और हमारी एक माँ जी है दुबई से, वो भी आपको कहती रही है कि ये पानी में काटा करो, आपको याद है? याद, काफी अरसे से रब्ता भी नहीं हुआ, वो बीमार रहती थी, अल्लाह पाक उनको सियात दे, पता भी नहीं है अभी उनका क्या कंडीशन है। ले आया? हाँ जी। दूध भी था? दूध आ गया है, ये कोलगेट।
कोलगेट दवाई। ये भी खत्म थी? हाँ जी, ये नहीं थी। कितना दिन है ये? और है, वो नहीं थी, ये बड़ी वाली है। चलो सही है। माशाल्लाह जी, अभी हमारा बनाया जा रहा है जी रायता, वो भी काली मिर्च वाला। काली मिर्च वाला रायता है ना? हाँ जी। काली मिर्च वाला अच्छा बनता है? अल्ताफ भाई के घर खाया नहीं था हमने, अच्छा तो था। बस काली मिर्च होती है, नमक होता है और दही। हाँ, का दही बस। बिल्कुल, चलो बना लेना फिर, क्योंकि धनिया मैंने उस टाइम निकाला नहीं है। थोड़ा सा धनिया निकाल लेती तो फिर वो अच्छा होता। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काली मिर्च वाला रायता तैयार हो गया। हाँ जी, अभी इसमें पानी डालो, थोड़ा पतला करो, ये गाढ़ा है। हाँ, काफी ज्यादा गाढ़ा है, मैंने कहा कुछ इसको पतला करो, ये VIP रायता बनाओ, फिर हम खाएगा, मौजा उड़ाएगा, मेहमान भी खाएगा, हम भी खाएगा, सब खाएगा। हाँ, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करो ताकि ये जो है ना हमारा रायता VIP बन जावे। हाँ, क्योंकि दही जो होती है ना बेटा, वो घाटी होती है ना, फिर उसमें पानी डाल के पतला करना पड़ता है। अभी देखें पतला हो गया है कुछ, है ना? हाँ, नीचे नहीं, नीचे नहीं गिराओ, नीचे नहीं ना, लग गया। आराम आराम से, आराम आराम से। इसका ढक भी है, ये ढक। हाँ, इसको रेडी करके ऊपर से ढक दे दो, ये साइड से जो है साफ कर लो। हाँ, ये साफ कर लो। कैसा बना? थोड़ा काम लग रहा है, बाकी तो ठीक। चलो नमक थोड़ा सा ऐड कर दे। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता सामान जो है वो लगना स्टार्ट हो चुका है, जैसे रायता वगैरह, प्याज, और उसके बाद जो है खीरे वगैरह, प्लेटें, चम्मच, ये रायते के लिए छोटियां मुंगरियां, ये सारा सामान जो है आहिस्ता आहिस्ता ओके हो रहा है। वो क्या हो गया? थोड़ा सा वो लेके आ गई, बड़ा सा पतीला लेकर आ गया। आपकी मम्मा इधर से बैठेगी, फिर डाल के देती रहेगी। हाँ, सबको देती रहूंगी। तो अपनी चौकी वगैरह भी अपनी रखनी है, तो वो भी अपनी टाइम रख लें। और पानी वाले गिलास, जग वगैरह, वो पानी भी आप ना इधर सारा रेडी करो, ताकि एट ए टाइम जो है ना वो फिर कोई मसला ना बने। वो सब चीजों के करके रख देती। कैसे, सही बात की है ना? सही है। फिर बार बार बोलते पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। हाँ, अभी ये गिलास भी आ चुके हैं, दो जग भी हैं, ये पानी के भर लो। हाँ जी। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं। ऐसा ऐसा सारी सेटिंग ओके करते हैं, लेकिन अभी देखें, मैंने उनको कहा था जल्दी जल्दी आ जाएं, अंधेरा हो रहा है, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं है। आ रहे होंगे तो फिर चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो तो मैं बुला कर आया हूँ, फिर टाइम से है ना, जो टाइम बता के आए उसको तुम टाइम आए। मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा मेरे हिसाब से कोई लेट नहीं है, काम ओके है। आप 10 मिनट में आओ, आधे घंटे में आओ, 15 मिनट में आओ, तो वो जो है ना फिर उनकी मर्जी है, लेकिन अभी तक वो आए आपके सामने है कि शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, और अभी तक जो है ना वो पहुंचे नहीं है। चलो पहुंच जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कैसे आ जाना? हाँ जी। और हम जो है ना अपना काम ओके कर रहे हैं कि हमारा काम जो है ना वो सारा रेडी ओके हो जाए, जैसे मेहमान आए आके बैठ जाएं, खाना खाएं सुकून से, और उसके बाद फिर जैसे भी होगा। अभी पानी पानी भर रही हो? जी। सही है सही है सही है पानी सही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इब्राहिम क्या खा रहे हो? ये क्या है? प्याज है। अच्छा, प्याज खा रहा है, कहता है प्याज खा रहा हूँ। और नादिया ने सारा सिस्टम जो है माशाल्लाह ओके कर लिया है, और इधर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता भी मेहमानों के बच्चे जो हैं वो पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। बैठो। तो वो भी लगता है पीछे से आ रहे होंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। रुक। चले जी, अभी हम पहुंच गए अकरम भाई के घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम दुआ तो पहले हो चुकी थी ना? हाँ, वो तो हो चुकी थी। मेहमानों को माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अकरम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह।
आ जाए आगे। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कलर तो वैसे बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा खाने भी इंशाल्लाह मजा आएगा। चलो फिर बिस्मिल्लाह करो, प्लेटों में डालो, फिर खाना जो है ना वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं, सही है ना? हाँ जी, बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाने वगैरह जो है अभी लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। अफजल भाई भी पहुंच चुके हैं, भाभी जान भी पहुंच चुकी है, अहमद भाई, सबा भाभी और सिस्टर भाई जान सब जो है ये पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाने वगैरह अभी जो है ना लगाते हैं। हसन जानी बिस्मिल्लाह कर रहा है, वो तेरी खैर हो भाई। ओए तेरे बाप से हम तंग हैं, वो हमें घर नहीं मिलता, जब भी जाते हैं घर में नहीं है, जब भी जाते हैं घर में नहीं है। नहीं उधर मैच पे गए हुए थे, मैं खैरात करने गया था, खैरात खाने। अच्छा अच्छा, ये जो मतलब वो चालीसवां करते हैं, फिर वो जिनका फौत होता है फिर वो खैरात करते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह वो कहते हैं सवाब होता है खाने से, मैं हर खैरात में शामिल होता हूँ कि सवाब मिलता है, ये नहीं कि मुझे शौक है खाने का। अच्छा अच्छा, सवाब के लिए भागता हूँ। सही हो गया जी, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, साहब ने खाना वगैरह जो है वो खा लिया है, कैसा लगा खाना? जबरदस्त था। हाँ। यह मजाक कर रहे हैं, यखनी पुलाव लग रहा था क्योंकि आपने चावलों में भी यखनी ऐड की और ऊपर बोटियां भी थी। हाँ। क्या बात है, जितना चावल थे उतना बोटियां थी। जबरदस्त, मैंने बराबर हिसाब रखा है। बिल्कुल। और इधर है सिस्टर और भाई, कैसा लगा खाना? आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी, आपने हम जैसे लोगों की दावत जो है वो कबूल की है, हम गरीबों की। आपका बहुत, हम कौन नहीं पैसों वाले जो गरीबों की दावत ना का, हम जो दावत है। नहीं वो मैंने पहले भी काफी बार जिक्र किया है, बार बार अच्छा नहीं लगता इंसान वो बात करते हुए, लेकिन क्योंकि आपको भी मैंने पहले कहा था ना कि मेहमान आते हैं इधर, वो कहते हैं हम ना सब अहमद के पास आए हैं, उधर ही खाना खाना है, आपके यहाँ ऊपर ऊपर से बात करनी है बात। अच्छा। यानी कि इस तरह के काफी आए हैं, सीधी बात करूं मैं तो, क्योंकि दो तीन इस तरह के आए हैं, हमने उनको इनवाइट किया दावत के लिए, फिर उन्होंने कहा हाँ आपकी दावत लाजमी खा के जाएंगे, हमें पता चलता था वो चले गए। फिर जो हमें कॉमेंट्स आते थे ना देखने वालों के, वो कहते थे यार आप ऐसे बंदों को क्यों इन्वाइट करते हो, जो आपका खाना वो अमीरों का खाना खाते हैं, गरीबों का नहीं खाते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आते थे। हकीकत वैसे भी आती थी मुझे व्हाट्सएप पे कि आप का वो आपको गरीब समझते हैं, आपके यहाँ नहीं आते नहीं, तो आप क्यों जाते हो? मैंने कहा बंदा दिल से अमीर होता है। फिर मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरी बात सुने कि हमारा जो है ना वो एक हक बनता है, फर्ज है कि हम पांच भाई हैं, हमारी जैसे फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो हमारे किसी एक भाई के यहाँ भी कोई भी आया हो हमारा हक बनता है उनको इनवाइट करना, आगे उनकी अपनी मर्जी है वो। अब पता ही क्या है, अब ये आए हैं हमें क्या पता ये कैसे हैं क्या है, क्योंकि देखें हम जानते तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, रابطہ किया इन्होंने, टाइम लिया, हमने कहा ठीक है आ जाओ, ये आ गए, अब इनकी मर्जी है ना, आपके घर आ रहे हैं उनकी अपने प्यार मोहब्बत वही है ना अपनी। हाँ जी, वो जो जो इनवाइट कर रहे जा रहे हैं उनका अपना प्यार खिलाक है, जो नहीं जाता आप उसे क्या कहें, आपने लाजमी जाना है, वो कहेंगे भाई ये तो जबरदस्ती करते हैं, ये होता है हर किसी का अपना प्यार। वही बात कर रहा हूँ ना, फिर यानी कि दिल की बात होती है, जिसका दिल करता है वो आ जाते हैं, जिसका नहीं करता, लेकिन हमारा जो हक है फर्ज है हमने वो करना है। बिल्कुल, क्योंकि इन्वाइट हमने सबको करना है, फिर क्योंकि फिर बाद में ये तो कोई बात ना करे ना कि हमें बुलाया तक नहीं है। हम उधर तक गए, अहमद भाई के यहाँ गए हैं, उनके भाई ने किसी ने हमें दुआ सलाम तक नहीं की, हमें इन्वाइट खाने के लिए नहीं किया, हालांकि खाने पीने का कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। तो वीडियो भी हमारी यहीं पर जी मुकम्मल हो रही है, अगर वीडियो आपको अच्छी, आप भी सबने आना है हमारी इनविटेशन पे, उधर भी जो अहमद भाई आपके पास आए थे ठीक है ना जी, जी हमारी खुशी को आपने भी जो है ना चार चांद लगाने हैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बस ये अभी सामान वगैरह ओके करते हैं फिर उधर आ जाते हैं जी, और वीडियो हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है जी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज।